इस कार्यक्रम के प्रायोजन झकास नील से झकास शुरुआत करते हैं हमारे आज के मुद्दे के साथ और जानते हैं क्या है वो समस्या जिसे हमने बनाया है हमारा आज का इश्यू। स्किन टैनिंग, ड्राइनेस, हेयर फॉल, ऑयली स्किन, पैचेस या रफ हेयर, ये सब हैं गर्मी के दिनों में हमारे शरीर में आने वाले वो बदलाव जिनकी वजह होती है सन एक्सपोजर। और आज तापमान में आ रहे इन बदलावों के चलते स्किन और बालों से जुड़ी ढेरों समस्याओं से परेशान हैं अमूमन हर उम्र की महिलाएं। आजकल गर्मी की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई देते हैं, जैसे स्किन टैनिंग, हेयर ड्राइनेस, इस टाइप के बहुत सारे प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। और मेन चीज ये है कि समझ में नहीं आता है कि क्या ट्रीटमेंट ले इन सब से बचने के लिए। जब भी बाहर जाओ धूप में तो एक तो टैनिंग बहुत हो जाती है, उसके अलावा गर्मी से इतनी ज्यादा वो इरिटेशन होने लगता है कि समझ नहीं आता कि फेस पे क्या चीज यूज करें। बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, आप कितना ही बढ़िया शैम्पू यूज कर लीजिए लेकिन बालों की जो क्वालिटी है वो रहती नहीं है, गर्मियों में बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं। गर्मियों में अक्सर महिलाओं के सामने ये सवाल होता है कि क्या है वो उपाय जिनसे इस गर्मी में स्किन पर आने वाले इन इफेक्ट्स को रोका जा सके, साथ ही डाइट से जुड़े कुछ ऐसे प्रिकॉशंस जो ये बता सके कि गर्मियों की एवरेज डाइट क्या होनी चाहिए। ऐसे में अगर एक्सपर्ट्स की माने तो स्किन या डाइट से जुड़े कुछ टिप्स आपको गर्मियों में भी रख सकते हैं हेल्दी और स्टाइलिश। स्किन पे तो गर्मियों में सबसे ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, उसके लिए सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए, डेली हमें पपाया यूज़ करना चाहिए और स्क्रबिंग करनी चाहिए, स्क्रबिंग के बाद टोनिक वगैरह जरूर लेना चाहिए। बालों में तो ऑयलिंग हॉट टॉवल ले सकते हो बाद में मॉइस्चर के लिए। भले ही तापमान की गर्मी आपको इस मौसम में कुछ प्रिकॉशंस लेने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन इनकी बदौलत आप पा सकते हैं अपनी प्रॉब्लम से निजात और गर्मी के इस मौसम में भी रह सकते हैं कूल। इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शो में मौजूद हैं हमारी एक्सपर्ट। गर्मी के दिनों में महिलाओं के सामने बहुत सारे स्किन और बालों से जुड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इन्हें कैसे दूर कर सकते हैं? गर्मियों में जो ये आप कह रहे हैं बालों की और स्किन की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सबसे ज़्यादा उसकी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो होती है सफाई ना होने की वजह से, स्वेटिंग से। क्योंकि स्वेटिंग में क्या होता है, चेहरा चिपचिपा हो जाता है तो स्किन प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, जैसे एक्ने है। और हमारी बॉडी में क्या होता है कि पसीने से सीबम रिलीज होता है, सीबम रिलीज होने से बालों में स्वेटिंग और चेहरे पे स्वेटिंग, तो उसे एक्ने की प्रॉब्लम आती है, डीपिगमेंट टोन हो जाता है। तो उसके लिए घरेलू उपाय लेने से पहले एक बार पहले किसी से परामर्श ले लें, कोई स्किन स्पेशलिस्ट से। कि टैनिंग को रिमूव करने के लिए आप लोग तरबूज, कोई भी लोग जो भी घर पर महिलाएँ रहती हैं वो तरबूज का जो फ्रूट है वो अपनी बॉडी पर लगा सकते हैं, उससे टैनिंग रिमूव होती है। पपाया भी यूज़ कर सकते हो, खीरा, कुकुम्बर भी हम यूज़ कर सकते हैं, उससे टैनिंग जो है वो रिमूव हो जाती है और ऑयल कंट्रोल होता है, सीबम का जो रिलीज है वो बॉडी में कम हो जाता है, जिससे एक्ने की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाती है। कविता जी हमें ये बताइए, किसी भी ट्रीटमेंट या घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले कितना ज़रूरी है अपने स्किन टाइप को जानना? स्किन टाइप का पता होना बहुत ज़रूरी है कि हमारी स्किन ऑयली है या ड्राई है। भारत में क्या होता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि स्किन टाइप का कैसे जाना जाता है। उसके लिए हम ये कर सकते हैं, एक नॉर्मल टिश्यू लेकर उसे अपने फेस पर रखिए और उसे दबाइए, दबाने के बाद देखिए उस पर क्या इंप्रेशन आता है। अगर उस पर ऑयल आता है दैट मीन्स आपकी स्किन जो है वो ऑयली है, अगर वो नॉर्मल रहता है दैट मीन्स नॉर्मल स्किन है, अगर वो ड्राई है दैट मीन्स ड्राई स्किन है। लेकिन एक प्रॉब्लम और भी आता है कि कईयों का टी जोन जो है वो ऑयली होता है, उस केस में क्या होता है, जैसे ही आप टिश्यू को उठाएंगे और देखेंगे तो जो आपका टी जोन होगा मीन्स फोरहेड और नोज वाला जो पोर्शन होगा वहाँ पर ऑयल आ जाएगा, दैट मीन्स आपका टी जोन ऑयली है और बाकी फेस जो है वो ड्राई है। हेयर फॉल की समस्या भी आज हर उम्र की महिलाओं में एक आम बात है, तो ये किन कारणों से होता है और इसे हम कैसे रोक सकते हैं? हेयर फॉल की जो समस्याएं हैं वो किसी भी तरीके से उत्पन्न हो सकती हैं, उसका जो मेन रीज़न है वो ये होता है, सबसे पहले डाइट, हमें डाइट कौन सी लेनी चाहिए जिसमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा हो, अगर प्रोटीन कम है तो हमारा हेयर फॉल होगा ही होगा। सेकंड जो है वो है हेरिडिटी, अगर हमारे पेरेंट्स के बाल कम हैं तो डेफिनेटली जो चाइल्ड होगा उसके भी बाल कम होंगे। तो ये सब तरीके, ये सब रीज़न्स हैं जिनसे कि हेयर फॉल होता है, हमें डाइट जो है वो प्रोटीन युक्त लेनी चाहिए। गर्मी के मौसम में धूप में निकलने से पहले हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
गर्मियों में धूप में निकलने से पहले सबसे पहले तो हमें सनब्लॉक यूज़ करना चाहिए। धूप में निकलने से 15 टू 20 मिनट्स पहले आपको सनब्लॉक लगाना चाहिए। सनब्लॉक मींस ऐसा फैक्टर जिसके अंदर SPF 30 हो। सनस्क्रीन क्रीम कोई सा भी ले सकते हैं आप, बहुत सारी कंपनीज हैं मार्केट में। हमें ये बताइए कि इस मौसम में हमें अपनी डाइट में किस तरह के प्रिकॉशंस रखने चाहिए। इस गर्मियों के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है, जहाँ पर बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो इसके लिए हमें ऐसे फ्रूट्स लेने चाहिए जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, जैसे तरबूज है, खरबूजा है, इस तरह के फ्रूट्स लेने चाहिए। और जो हमें आम का पन्ना होता है ये लेना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करके इन सब चीज़ों के लिए जाना चाहिए, और मेन नींबू पानी। गर्मी के दिनों में पार्टी के मेकअप के लिए आप क्या सजेशन देंगे? ज़्यादा देर तक टिकाने के लिए हमें सबसे पहले मेकअप में प्राइमर यूज़ करना चाहिए। प्राइमर से क्या होता है कि मेकअप हमारा टिका रहता है। और गर्मियों में फाउंडेशन यूज़ ना करके पैनकेक यूज़ कीजिए। उसमें क्या होता है कि वो वाटर बेस्ड होता है। जो भी मेकअप हम यूज़ करें अगर वो वाटर बेस्ड है तो वो स्वेटिंग को एब्जॉर्ब करेगा और मेकअप जल्दी नहीं निकलेगा। इसी के साथ आधी आबादी में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए TD News पर।